इन दोस्तों इस वीडियो में जानकारी देने वाले आप सभी को, यहाँ पर एसएससी जीडी 2022 के यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर जो 2022 से वैकेंसी आई थी यहाँ पर 45,284 की इस्ट इसके कई यहाँ पर एडमिट कार्ड फाइनली यहाँ पर डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। जिसके जहाँ पर एडमिट कार्ड जिसके जहाँ पर सेंटर गए हैं, एग्जाम सिटी दिखाई जा रही है यहाँ पर, और एग्जाम डेट दिखाई जा रही, शिफ्ट दिखाई जा रही, टाइमिंग दिखाई जा रही, कितने बजे से एग्जाम है, कौन सी शिफ्ट में कौन सी डेट को एग्जाम है। और जिसके स्टार्टिंग में एग्जाम है जैसे 10 जनवरी को जिसके एग्जाम है, 11 जनवरी, 12 जनवरी, ऐसे जिसके एग्जाम लगे हुए, फाइनली उसके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे हैं। तो गाइस आप से लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते, आप सभी को दिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आप सभी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और प्रिंट करना है। चलिए यहाँ पर बारी बारी से देखते रहिए। सभी राज्यों का दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, सभी राज्य भारत के जितने भी राज्य हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी थी दोस्तों ये 45,284 पोस्ट थी, दोगुनी वैकेंसी कर दी गई थी, तो जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इसी चैनल पर मैं गाइस यहाँ पर तैयारी भी करा रहा हूँ, तो तैयारी के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। दस्तक अकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए, क्लासेस यहाँ पर हिंदी और जीके की लगातार चल रही, भरमार चल रही और सॉलिड क्लासेस चल रही, अच्छे से लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर डालिएगा ssc.nic.in, ठीक है ना, इसको डालकर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इसको क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर 3 डॉट आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा और डेस्कटॉप साइट पर चले जाइएगा, ठीक है दोस्तों। डेस्कटॉप साइट पर जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर एसएससी की साइट पर आ जाओगे नीचे, तो डेस्कटॉप साइट करने के बाद यहाँ पर सिंपल सा आप सभी को दिख रहा होगा एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, जैसे यहाँ पर एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो सभी के एडमिट कार्ड आ गए। आप किस जोन में लगते हो, किस कौन सा आपका जोन है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ईस्टर्न रीजन, रीजन आप सभी लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा, कर्नाटका केरला रीजन, साउथर्न रीजन, जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर अपना स्टेट देख सकता है, ये स्टेट भी दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर नॉर्थन रीजन है, साउथ रीजन है, यहाँ पर वेस्टर्न रीजन है, और मध्य प्रदेश रीजन है, सेंट्रल रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, यहाँ पर नॉर्थन रीजन है। तो मैं यहाँ पर सेंट्रल रीजन चाहता हूँ, मैं अपना चेक कर रहा हूँ, सेंट्रल रीजन पर सिंपली इस पर क्लिक करना है, और ये पेज ओपन हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये पेज ओपन हो चुका है, इसको पॉपअप आएगा विंडो, इसको क्लोज कर देना है, ठीक है ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिएगा, स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स CAPFS SSF राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड स्पोय इन इंस्पेक्टर। तो दोस्तों इस पर सिंपली क्लिक कर देना आपको, जैसे ही दोस्तों सेंटर रीजन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएगा स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कांस्टेबल जीडी, देख सकते हो ये, ठीक है दोस्तों, 2022 और 13 फरवरी 2023 तक, यहाँ पर 10 जनवरी 2023 23 से 13 फरवरी 2023 तक यहाँ पर एग्जाम चलने वाले हैं। सिंपली इस पर जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा आप सभी लोग देख सकते हो, क्लिक हेयर टू चेक स्टेटस एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड, स्टेटस भी चेक कर सकते हो, जिसका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर नाउ क्लिक प्रोसीड बटन इफ़ यू हैव ओपेंड टू इन एग्जाम सेंटर इन यूपी एंड बिहार, यूपी एंड बिहार वालों का यहाँ पर क्लिक चेक कर सकते हो खाली, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद आप सभी को जैसे कि किसी के बंदे को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर उसको नहीं पता है तो यहाँ पर दूसरा मौका मिल रहा है आप सभी को, यहाँ पर ध्यान से देखोगे रोल नंबर से अपना निकाल सकते हो, अगर रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो अपना नाम से निकाल सकते हो, ठीक दोस्तों, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हो स्टेटस, या फिर आपका एडमिट कार्ड आया होगा तो एडमिट कार्ड अपना चेक कर सकते हो इसी तरीके से। चलिए मैं भर देता हूँ, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर फिल कर दिया और यहाँ पर सर्च वाले पे क्लिक कर देना, सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों ये ओपन हो चुका है, ठीक ना, ये मेरा नेम देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, और ये एड्रेस है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और 25/1/2023 यहाँ पर एग्जाम डेट क्या है, 25/1/2023 है दोस्तों, ठीक ना, 25 जनवरी को मेरा एग्जाम है, और यहाँ पर शिफ्ट देख सकते हो, फोर्थ शिफ्ट है यानी कि शाम को, तो 5:15 से 6:15 तक यहाँ पर 1 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। तो और यहाँ पर सेंटर देख सकते हो, एग्जाम सिटी कानपुर, ठीक दोस्तों। फॉर्म एक्सेप्ट दिखा रहा है, स्टेटस में फॉर्म क्या दिखा रहा है, एक्सेप्ट दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर से दूसरा कैंडिडेट का चेक करना चाहो तो कैसे चेक करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखोगे चेक फॉर अनादर कैंडिडेट, यहाँ पर क्लिक करोगे फिर से वही पेज आ जाएगा, वहाँ से फिर से फिल कर सकते हो और दूसरे का भी चेक कर सकते हो। तो मेरा 25 तारीख हुआ, लगभग यहाँ पर 6-7 दिन या 5 दिन पहले आप मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो बस यही जानकारी थी, आप सभी लोग अपना अपना इसी तरीके से चेक कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।